नमस्कार साथियों साथियों, आज हम पहुँचे हैं गांव किनोनी में और आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शौकीन किसान से जिनका सारा पशुधन और इनका काम सारा अप टू डेट है, जो हमारे भाई खेती कर रहे हैं और आजकल पशु पालने में शर्म महसूस कर रहे हैं थोड़ी सी, तो उन भाइयों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी। तो मिलते हैं और लेते हैं इनका पहले थोड़ा परिचय। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो हमारे दर्शकों को पहले अपना थोड़ा सा परिचय दो भाई। पुष्पेंद्र किनोनी। अच्छा जी, इलेक्ट्रिशियन का भी काम है, पशुपालन का भी काम है। बहुत अच्छे। हाँ जी। तो साथियों देखें, पशुपालक जो हैं इनके पहले इनकी व्यवस्था देखें पशुओं की। ये इनका करड़ा मैट पे है, इधर एक और करड़ा है। खड़े करियो जी ने एक बार। मतलब इतना आराम है, उठने को भी जी नहीं कर रहा पशु का। देखते हैं रख रखाव और सारी चीज। तो ये देखें, एक करड़ा ये तैयार है, बहुत ही शानदार लोहारे तैयार कर रखे इन्होंने। और आगे देखते हैं, ये इनकी HF गाय है। हाँ जी, एक बार इधर आइए। तो गाय के बारे में बताओ जी कुछ थोड़ा। गाय भाई 7 महीने की अपन है। अच्छा जी। 12 किलो दूध है फिलहाल। हाँ फिलहाल भी 12 लीटर दूध दे रही है। और जब भी आती है तो ब्यात पे कितना दूध है इसका? 17-18 लीटर। बहुत अच्छे। और ये देखें व्यवस्था देखें इनकी आप पहले। पशुओं के नीचे इतनी साफ सफाई बहुत ही कम देखने को मिलती है। अर्डर क्वालिटी देखें गाय की। ये देखें हवा की व्यवस्था बिल्कुल अच्छे रूप से करी गई है। यहाँ पर जहाँ पशु बनते हैं यहाँ पर भी इतनी साफ सफाई है कि आदमी खाट घेर के कुर्सी घेर के आराम से बैठ सकता है। ज़्यादातर हमारे पशुपालक जो है वहाँ पर मक्खी भड़कती रहती हैं, सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखें और ये देखें, यहाँ पे पशुओं के पीने के लिए पानी बिल्कुल साफ पानी है। टैर लगी हुई है उद्दी में भी। और ये इनकी भाई जी की है भैंस। करो खड़ी, भैंस खड़ी कर दो जी। भैंस देखें कितनी शानदार भैंस है। तो ये देखें जी भैंस, चौथी बार ब्यात पे है भैंस। अभी कुछ टाइम लेगी, एक बार नज़दीक से थोड़ी ऑर्डर क्वालिटी देखते हैं भैंस की। ये देखें साथियों, बहुत ही शानदार भैंस है। अभी टाइम है थोड़ा ब्याने में, इसकी वीडियो एक बार और कवर करेंगे जब ये ब्यात के नज़दीक होगी। और रख रखाव आप देख रहे हैं कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, काबिले तारीफ है। तो भाई जी थोड़ा सा एक बार ये बताएं, जैसे हमारे आज का जो युवा है पशुपालन से मुंह फेरता जा रहा है, तो उन्हें कुछ कहना चाहेंगे आपकी व्यवस्था देखकर? भाई हर... पशुपालन में तो जी समस्या कुछ नहीं है, बहुत अच्छा काम है जी। दूध भी पियो घी भी खाओ। तो हमारा युवा वर्ग जो है पशु से दूर होता जा रहा है भाई, अगर घाटे का सौदा मानते हैं। नहीं, नफे का सौदा है, कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो खेती के साथ में अगर हम अपना पशुपालन अच्छी तरीके से करेंगे तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है दूध के रेट तो आज की तारीख में रहे नहीं, तो रेट दूध के कम है उस हिसाब से जो लागत पशु को पालने में आ रही है। तो आप क्या बेटर मानते हैं, दूध बेचना अच्छा है या एक अपना घर पर अच्छा लवारा तैयार करना? लवारा तैयार करना अच्छा है भाई, उसमें ज्यादा लवारा पड़ता ना पशु पलता। बहुत अच्छी बात। हाँ हाँ, तो अगर हम घर पे ही अपना पशु तैयार करेंगे वो तो अच्छी बात है, वो ज़्यादा बेटर है। तो देखें साथियों, एक प्रेरणा का स्रोत हैं, काफ़ी मेहनती हैं। और व्यवस्था आपने देख ली, यहाँ पे इनकी मशीन है, मशीन की ये देखिए आप, इन्होंने पिलर पे लगाया हुआ है। और ये देखें यहाँ पे इन्होंने कुट्टी जो आगे ना जाए, नज़दीक से दिखाते हैं भाई आपको। ये सामने इन्होंने एक पतरा लगाया हुआ है, ये चद्दर है लोहे की, आगे कुट्टी दीवार पे नहीं जाने की जिससे दीवार गंदी ना हो। तो व्यवस्था सारी सुनिश्चित कर रखी है। तो साथियों जो हमारे भाई अभी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।